17 अप्रैल को खेला जाएगा सीएसके और आरसीबी के बीच महामुकाबला। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में और साथ में जानेंगे क्या क्या बदलाव हो। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ होना है। आपको ये बता दें कि चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच यह मुकाबला बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा, जहां एक तरफ चेन्नई की टीम रहने वाली है जिसने अपने 4 में से 2 मैचों में जीत हासिल की है तो 2 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ फाक डू प्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने अभी तक 3 मुकाबलों में अभी तक 1 मुकाबला में जीत हासिल की है तो वहीं 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर मौजूद है तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 7वें स्थान पर मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में सीएसके ने काफी टक्कर दी, इसके बाद भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। आपको ये बता दें कि चेन्नई सुपर किंग को आखिरी गेंद में छक्के की जरूरत थी लेकिन महेंद्र सिंह धोनी छक्का नहीं लगा पाए। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 175 रन बनाए थे। चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 20 ओवर में मात्र 172 रन ही बना पाए। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने 3 रनों से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से डेवोन कानवे ने बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और 50 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अंकिजे रहाणे ने एक बार फिर से अच्छी लय में नजर आए, उन्होंने 19 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से मात्र 17 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, हालांकि वह आखिरी गेंद पर छक्का नहीं लगा पाए और टीम हार गई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग के टीम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज गेंदबाज सिसांडा मांगला टीम से बाहर हो सकते हैं और इनके जगह पर मथीसा पथिराना को टीम में शामिल किया जा सकता है। सिसांडा मांगला अभी तक वो कारनामा नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनकी जगह मथीसा पथिराना को टीम में शामिल किया जा सकता है। मथीसा पथिराना युवा तेज गेंदबाज है। दोस्तों, बेन स्टोक को लेकर भी बड़ी अपडेट्स आ रही है कि बेन स्टोक अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं। बेन स्टोक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ भी नहीं खेल पाएंगे। यही हाल दीपक चहार का भी है, इनको लेकर अभी तक कोई बड़ी अपडेट्स नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि अगर इनकी चोट भी गंभीर हुई तो वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवोन कानवे, अंकिजे रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, मथीसा पथिराना, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे और आकाश सिंह को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सीएसके से जुड़ी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।